नमस्कार, गुजरात से मैं कल्पेश भाटिया मोदी बोल रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी, बांग्लादेश को देने के लिए तुम्हारे पास 30,000 करोड़ रुपए है, महाराष्ट्र के किसानों को देने के लिए ठेंगा है, उनको मरने के लिए छोड़ते हो। यूपी में 35% किसानों को आंशिक ऋण मिलेगा, माफ का होगा, बाकी सबको उल्लू बना दिया। गाय 8-10 स्टेट में आराम से कटेगी, हिंदू लोग भी खाते हैं, ऐसा नहीं मुस्लिम खाते हैं, मुस्लिम से ज्यादा हिंदू लोग खाते हैं। और जहां आपको डंडे पड़ेंगे वहां आप गाय को जो काटते हैं उनको कुछ नहीं बोलोगे। नॉर्थ ईस्ट में जाइए आप। दूसरी बात, अरुण जेटली संसद में बोलते हैं 18 लाख लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस देगा। वो छोटे आदमी है जो 2-3 महीना बैंक की लाइनों में खड़े रहे और परिवारों का एडजस्टमेंट नहीं होगा हिसाब किताब में, तो 20,000 से 50,000 लाख तक का इनका कोई हिसाब का प्रॉब्लम होगा। लेकिन पनामा पेपर में जो तुम्हारे मिले भगत के आदमी है 424, उनका काला धन पड़ा है, इनपे कोई एक्शन आप नहीं लोगे, क्योंकि उनके तो आप उनको तो गोद में बिठाते हो, तो आप कैसे राज चलाते हो? बड़े आदमियों को कुछ नहीं बोलते, जैसे दो आदमी है आपके, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय, और बहुत से 424 में करीबन 400 के आसपास तुम्हारे ही आदमी है, उन पे एक्शन लो। जेटली जी बोलते हैं काला धन कहाँ है, कितना है, हमें पता नहीं है। तो चुनाव में आपने तो लोगों को बहुत परेशान कर दिया। अभी ये गुजरात को आपने तहस नहस बर्बाद कर दिया, 2.25 लाख करोड़ का देवा नरेंद्र मोदी जी तुमने कर दिया। यही आपका गुजरात मॉडल है, ईवीएम मॉडल है, गुजरात मॉडल कुछ नहीं है। आज तक जितने भी चुनाव आपने जीते हैं ईवीएम की मेहरबानी से, और गंदा थूक और जहर उड़ा के वो दिखा।